जो गाजियाबाद क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो गाजियाबाद क्षेत्र में करीब हमारे उपभोक्ता 27,000 उपभोक्ता हैं, जिन पर करीब 200 करोड़ हमारा ये बकाया इसमें आ रहा है। 10,000 से ऊपर की हम बात कर रहे हैं, उसमें से करीब जो हमारे प्राइवेट उपभोक्ता हैं वो करीब इसमें 26,000 हैं, उन पर 120 करोड़ बकाया है। तो इसमें हम निरंतर 10,000 से ऊपर के उपभोक्ताओं पर ये जो कार्रवाई करते हैं उसमें डिस्कनेक्शन की प्लस पेमेंट्स की, और इसमें जो ज़्यादातर उपभोक्ता हमारे बकायेदार हैं वो लोनी क्षेत्र में हैं। करीब 16,000 उपभोक्ता 27 में से हमारे लोनी क्षेत्र में आ रहे हैं, और करीब 3,000 उपभोक्ता हमारे मोदीनगर मुरादनगर में हैं। गाजियाबाद टाउन की यदि बात करें तो यहाँ पर बहुत कम उपभोक्ता हैं, करीब 7,000 के करीब हैं जो बकायेदार इसमें आते हैं हमारे, और इनमें कुछ कंज्यूमर्स ऐसे भी रहते हैं जिनका लास्ट में हमारा बिलिंग हम लेट कर पाए तो उसकी वजह से वो अगले महीने में पेमेंट उनका क्लियर हो जाता है। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो हमारे ज़्यादातर उपभोक्ता बकायेदार लोनी मोदीनगर मुरादनगर क्षेत्र में हैं, जिन पर निरंतर डिस्कनेक्शन और वसूली की कार्रवाई की जा रही है। सरकारी विभागों कितना बकाया? सरकारी विभागों पर यदि आप देखें तो स्ट्रीट लाइट में करीब हमारा 350 मतलब 3 करोड़ 3.5 करोड़ है। इसी प्रकार से LMB4 जो ऑफिस वगैरह होते हैं विभाग के, उन पर भी करीब 2.5 करोड़ है, और वाटर वर्क्स जो हमारे नगर निगम के ट्यूबवेल्स वगैरह होते हैं पेयजल वाले, इन पर भी करीब 40 करोड़ हमारा ये बकाया है, जिसके लिए वसूली, क्योंकि ये सेंट्रल ये केंद्रीय भुगतान होता है तो इसके बिल सत्यापित करके हम लोग सिस्टम पर अपलोड कर रहे हैं, जो कि हमारा केंद्रीय स्तर से लखनऊ स्तर से इसका समायोजित किया गया। सरकारी विभागों का जो अभी कार्रवाई के निर्देश यही रहते हैं कि आप इनका बिल वेरीफाई करा के जो केंद्रीय भुगतान होता है उसको वहाँ से अपलोड कराते हैं। केंद्रीय भुगतान के अलावा कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं जिनका स्थानीय स्तर पर भुगतान होता है, उसमें डायरेक्शन ये मिले हैं कि उनको बिल रेज करके उनकी डिमांड हम लोग लखनऊ स्तर पर रेज कराते हैं उनके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को, वहाँ से वो भुगतान आने की सूचना हमारे पास आ जाती है, तब हम उनसे परसू करके उनका पेमेंट हम ले लेते हैं।